हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं MGM ओडिशा T20 लीग में ओडिशा चीतर्स वर्सेस ओडिशा पंतज के बीच में खेला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला। पहले हम बात करने वाले दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाला। मैं प्लेइंग 11 के साथ साथ आपको स्टैट्स भी देने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको मैं कवर करने वाला दोनों टीम की की प्लेयर्स क्या होने वाला है, ये डिटेल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं कवर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन तो मिल जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन सा प्लेयर बेस्ट है, और हेड टू हेड के लिए कौन सा प्लेयर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बेस्ट है, ये सारी डिटेल्स आपको यहीं पर मिलने वाला है। इसके साथ साथ पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट क्या है यहाँ पर, ये भी डिटेल्स आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ ओडिशा चीतर्स की टीम फॉर्म कैसी है और ओडिशा पंथर्स की टीम फॉर्म कैसी है, लास्ट दो मैचेस, लास्ट पांच मैचेस जो भी खेली है, और इसके साथ साथ दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म क्या है और पॉइंट्स टेबल पे कितनी पोजिशन पे ये रैंकिंग, ये सारे डिटेल्स आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आप पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत फायदा मिलने वाला, मैं गारंटी 100% के साथ कह सकता हूँ। ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड हो, 100% आप जीत जाएंगे फ्रेंड्स, अगर पूरे वीडियो को देखेंगे तो। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको पक्का हार जाओगे, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगा, आप दूसरे यूट्यूबर या गूगल पर जाने की सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं डिटेल्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आ गई टीम न्यूज़ की, MGM ओडिशा T20 लीग है फ्रेंड्स। यहाँ पर ओडिशा चीतर्स वर्सेस ओडिशा पंथर्स में खेला जा रहा है, और ये मैच नवा मैच है फ्रेंड्स ओडिशा T20 लीग की। और यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार है फ्रेंड्स, ये मैच बारबती स्टेडियम कटक में खेला जाएगा, और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 3:30 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये 2020 के लास्ट मैचेस और दो तीन मैचेस और है, वो भी मैं कवर करने वाला। 2020 को गुड बाय कहने वाले हैं हम लोग, अब 2020 भी एकदम ख़त्म रही है कोरोना के चलते। लेकिन हम आगे बात पे आते हैं, ओडिशा चीतर्स की टीम न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पर दो मैच खेली है फ्रेंड्स, दोनों मैच जीत गए, और पॉइंट्स टेबल पे बात करें तो सेकंड पोजीशन पे फ्रेंड्स यहाँ पर। और ओडिशा चीतर्स ने पहला मैच ओडिशा टाइगर्स को 7 रन से हराए, दूसरा मैच की बात करें तो ओडिशा जागुआर्स को 6 विकेट से हराए फ्रेंड्स यहाँ पर। और ओडिशा चीतर्स की प्लेइंग 11 स्टैट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, अनुराग सरंगी का बात करें तो ओपनर बैट्समैन है। तो फ्रेंड्स, बैटिंग ऑर्डर भी यहीं पर आपको मिल जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अनुराग सरंगी ओपनर बैट्समैन है, पहला मैच में 22 रन और 1 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। मरोजू प्रशांत की बात करें तो पहला मैच में फ्लॉप है, लेकिन दूसरा मैच में 60 रन बनाए, ओपनर बैट्समैन है फ्रेंड्स यहाँ पर। अमित साहू की बात करते हैं, वन डाउन बैट्समैन है, 3 रन बनाए, लेकिन दूसरा मैच में मौका मिला, लेकिन फ्रेंड्स इनको बैटिंग पर नहीं भेजा, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी वन डाउन पर मैं यहाँ पर फिक्स करके रखा, अगर ये नहीं खेलते तो आपको यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में दे रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। सौरव गौड़ा की बात करो तो विकेट कीपर और बैट्समैन है फ्रेंड्स, सेकंड डाउन पे आते हैं, 29 रन बनाए, 39 रन पहला मैच में, और सेकंड मैच में जल्दी ही आउट हो गए फ्रेंड्स यहाँ पर। अभिषेक राउत की बात करो तो फ्रेंड्स, ये प्लेयर अच्छे फॉर्म में है, 58 रन नॉट आउट, 1 विकेट है, 25 रन नॉट आउट, और कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों मैच में नॉट आउट आसान की बात नहीं है। मजीद खान की बात करें तो 4 डाउन बैट्समैन है फ्रेंड्स, 15 रन नॉट आउट है, पहला मैच में शून्य पर आउट हो गए। और यहाँ पर रामचंद्र बेहरा की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 डाउन बैट्समैन ये था, लेकिन मैं 3 डाउन लेकिन यहाँ पर 6 रन और 3 विकेट है, 36 रन और 3 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, दो मैच में यहाँ पर 6 विकेट ले चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ऑलराउंडर है प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ पर। बदल डोल की बात करते हो, 6 डाउन बैट्समैन है फ्रेंड्स यहाँ पर, 7 रन कोई सफलता नहीं, 0 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। मनोज बारिक की बात करें तो फेस्ट बॉलर है फ्रेंड्स, पहला मैच में कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन बैटिंग किए थे, 2 रन बना के आउट हो गए, दूसरा मैच में 2 विकेट इनको मिला, फेस्ट बॉलर है। मृण्मय त्रिपाठी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये भी फेस्ट बॉलर है, 3 विकेट है पहला मैच में, दूसरा मैच में सफलता नहीं मिली। अभिजीत हुड्डा की बात करें तो फ्रेंड्स, ये बॉलर है, 0 विकेट है, 0 विकेट है। और बेंच में फ्रेंड्स रोनाल्ड बी सिंह और यहाँ पर मनीष राउत है फ्रेंड्स। अब आ गई फ्रेंड्स ओडिशा पंथर्स की बात करते हैं, ओडिशा पंथर्स ने अभी तक इस सीजन में 2 मैच खेले, दोनों मैच जीत गए, पॉइंट्स टेबल में पहला पोजीशन पे फ्रेंड्स यहाँ पर। ओडिशा पंथर्स ने पहला ओडिशा पुमास को 9 विकेट से हराया, दूसरा मैच में ओडिशा लायंस को 7 विकेट से हराया फ्रेंड्स यहाँ पर। और ओडिशा पंथर्स की प्लेइंग 11 स्टैट्स की बात करते हैं, पहला मैच में अंकित सिंह ओपनर बैट्समैन है फ्रेंड्स, 43 रन नॉट आउट रहे, दूसरा मैच में 15 रन बनाए। यहाँ पर आलोक साहू की बात करें तो ओपनर बैट्समैन है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ऑलराउंडर है, 2 मैच में यहाँ पर 5 विकेट लिए, पहला मैच में 2 विकेट, दूसरा मैच में 3 विकेट लिए, तो यहाँ पर 23 रन और 10 रन बनाए। सिद्धार्थ जेना की बात करें तो पहला मैच में 63 रन बनाए नॉट आउट रहे, और दूसरा मैच में 8 रन बनाए के आउट हो गए, लेकिन यहाँ पर 1 डाउन बैट्समैन है फ्रेंड्स यहाँ पर।
वन डाउन बैट्समैन है फ्रेंड्स। यहाँ पर विनीत मोहंती की बात करें तो सेकंड डाउन बैट्समैन है, 21 रन नॉट आउट है फ्रेंड्स। अभिषेक यादव थर्ड डाउन बैट्समैन है फ्रेंड, कोई सफलता नहीं मिली लेकिन 69 रन नॉट आउट है। और इन चारों इन तीनों प्लेयर को अभी तक तो कुछ मौका नहीं मिला फ्रेंड्स, इसलिए मैं इनको यहाँ रखें, लेकिन प्लेइंग 11 में 100% रह रहे हैं। और यहाँ पर बसंत मोहंती की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर फेस बॉलर है वो विनीत मोहंती है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर विनीत मोहंती बैट्समैन है फ्रेंड्स, यहाँ पर बसंत मोहंती फेस बॉलर है फ्रेंड। एक विकेट पहला मैच में, दूसरा मैच में 2 विकेट मिला। प्रदीप प्रधान की बात करें तो ये भी प्लेयर फेस बॉलर है फ्रेंड्स, 4 विकेट और 1 विकेट लें। तो फ्रेंड जयंत बेहरा को लास्ट मैच में इनको फेस बॉलिंग पे ट्राई किया गया, तो यहाँ पर इनको कोई विकेट, दूसरा मैच में 2 विकेट मिला लेकिन पहला मैच में कोई सफलता नहीं मिली। और शुभम नायक बॉलर है फ्रेंड्स, 0 विकेट और 0 विकेट है। और यहाँ पर बेंच प्लेयर में फ्रेंड्स यहाँ पर कृष्णा पारिक, इनकी स्टार्ट्स नहीं मिली है। स्पर्श रोमानी खेलते हैं तो फ्रेंड्स 18 मैच में 306 रन बनाए। यहाँ पर चंद्रमणि बिस्वाल की बात करें तो 8 मैच में 258 रन के साथ साथ 8 विकेट है। और सुधर दास ने 2 मैच में 1 विकेट लिए फ्रेंड्स। अब आगे फ्रेंड दोनों टीम की की प्लेयर्स की बात करें तो की प्लेयर्स इस प्रकार है फ्रेंड्स, सौरभ गौड़ा, मरोजू प्रशांत, अभिषेक राउत, मृणमय त्रिपाठी, रामचंद्र बेहरा फ्रेंड्स, ओडिशा चीतस की प्लेयर। इस प्लेयर्स को आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। यहाँ पर ओडिशा पंतज की बात करें तो अंकित सिंह, अभिषेक यादव, प्रदीप प्रधान, आलोक चंद्र साहू, सिद्धांत जैन है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आगे फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो इस प्रकार है, यहाँ पर रामचंद्र बेहरा, अभिषेक राउत, अंकित सिंह और आलोक चंद्र साहू है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये सारे प्लेयर्स आपको हेड टू हेड के लिए बेस्ट कैप्टन ऑप्शन है, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग पे कन्वर्ट करते हो तो आपको किस तरह कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना, ये भी टिप्स आपको यहीं पर मिलने वाला है, इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लगे रहिए। और यहाँ पर पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस पिच पे 135 से 140 रन तक बन सकता है। पिच की बात करें तो बैलेंसड है फ्रेंड्स यहाँ पर, जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने के निर्णय लेगी। और यहाँ पर टीम बॉलिंग फर्स्ट विन की रिकॉर्ड अच्छी है फ्रेंड्स, 80%। और यहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट विन की बात करें तो 20% है फ्रेंड्स यहाँ पर। और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो ओवरकास्ट क्लाउड्स है फ्रेंड्स यहाँ पर, टेम्परेचर रहने वाले 26.68 डिग्री सेल्सियस। और विनिंग चांसेस की बात करें तो ओडिशा चीतस 20% है, ओडिशा पंतस 80% है। यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें, ओडिशा चीतस ने लास्ट 2 मैच के लिए 2 मैच जीत गए फ्रेंड्स यहाँ पर। ओडिशा पंतस की बात करें तो लास्ट 2 मैच में 2 मैच जीत गए। तो फ्रेंड्स ये मैच टगाफोर होने वाले, बहुत बड़े स्कोर्स भी बन सकते हैं, नहीं तो विकेट्स भी बहुत जल्दी जल्दी गिर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीम अभी तक लॉस नहीं देखी है। तो फ्रेंड्स ये देखना बहुत रोमांचक मैच होगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स आपको मैंने कवर करके बता दी फ्रेंड्स। एंड अब मैं आपको देने वाला हूँ ड्रीम इलेवन टीम, और उसके साथ साथ आपको मैं ग्रैंड लीग के लिए कौन सा प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो हेड टू हेड के लिए तो आपको दे दिया, लेकिन फ्रेंड्स एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी टीम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो टीम में बना के रख चुका हूँ फ्रेंड्स, ओडिशा चीतस के 6 प्लेयर, ओडिशा पंतस के भी 5 प्लेयर लिया फ्रेंड्स मैंने। यहाँ पर विकेट कीपर में एस गौड़ा है फ्रेंड्स यहाँ पर, बैट्समैन में एम प्रशांत, आर बेहरा, अंग और ये यादव है फ्रेंड्स यहाँ पर। ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर को लिया फ्रेंड्स, ए राउत, एस जैना और ये चंद्रसेना है फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर गेंदबाजी में 4 गेंदबाज को पिए, एम त्रिपाठी, एम बारिक, पी प्रधान और बी मोहंती है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने टीम तो बना के लिए और यहाँ पर कैप्टन एस चंद्रसेन और यहाँ पर आर बेहरा को लिया फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको अगर इस टीम में अगर बदलाव मैं कुछ भी करूँगा तो फ्रेंड्स अब टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। मैं डेली 2 से 3 और 4 यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैचेस टेलीग्राम में मैं कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है टीम, अगर इसी टीम को मैं ग्रैंड लीग पे कन्वर्ट करता हूँ तो किस प्रकार कन्वर्ट करता हूँ, ए आर कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए किस प्लेयर को मैं पिक करता हूँ, ये भी डिटेल अब हम जानने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स वो डिटेल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मैं तो टीम बना के रख चुका हूँ, आप टीम प्रीव्यू देख सकते हो, यही टीम है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आगे फ्रेंड्स आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, तो मैं यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन में तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी प्लेयर्स आपको 0 to 5% वाले नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्टन की लिस्ट में, तो यहाँ पर देख सकते हो एस गौड़ा 1% में कैप्टन बनाया है फ्रेंड्स यहाँ पर, 2.85 है, 1.42 है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर एस जैना की बात करें तो यहाँ पर 2.09% है यहाँ पर। और यहाँ पर एम त्रिपाठी 1.79%, बी मोहंती 1.05 और एम बारिक 0.81। तो फ्रेंड्स आपको 0 to 5% वाले जो भी प्लेयर नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसके साथ साथ आपको स्टैट्स देखना इंपॉर्टेंट, लास्ट 2 मैचेस भी आप कवर करेंगे तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप गूगल पे ज़्यादा और सर्च करेंगे तो और मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 0 to 5% वाले जो भी प्लेयर हैं, आपको यहाँ पर स्टैट्स भी मैंने दे दी फ्रेंड्स यहाँ पर। स्टैट्स को एक बार देख लीजिए, कितने विकेट लें, कितने रन बनाए, तो अगर वो देख के आप कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप 100% ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। डायरेक्टली आप टीम मत बनाए, स्टार्ट्स के बिना आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। तो इसलिए मैं कभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, कभी मैं ड्रीम इलेवन और बैट बॉल इलेवन जो भी खेलता हूँ, फैब इलेवन, तो मैं आगे मेरे इंपॉर्टेंस रहती है पिचर वेदर रिपोर्ट के साथ साथ
प्लेयर्स की स्टार्ट किया है ये इन्फॉर्मेशन मैं आगे जानता हूँ। उसके साथ साथ अगर फ्रेंड्स इसी टीम में आपको हेड टू हेड पिक करना तो आपका ऑलरेडी अभी तो हेड टू हेड टीम है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो हेड टू हेड टीम के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी परसेंटेजेस ज़्यादा में देखते हैं उस प्लेयर्स को पिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हेड टू हेड जो भी खेलेंगे फ्रेंड्स आपको हेड टू हेड खेलना तो फ्रेंड्स दो मेंबर्स या तीन मेंबर्स का खेलिए, इससे ज़्यादा मत खेलिए, तो आप यहाँ पर आसान से पैसा जीतेंगे। तो फ्रेंड्स आपको किसी तरह पैसे जीतना है, आप लोभी मत बनिए कि मुझे 1,00,000 एक दिन में 1 करोड़ रुपये कमाना है, तो इससे आप इतना लोभ बनेंगे तो फ्रेंड्स आप मेरे हिसाब से कभी भी नहीं जीत पाएंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस हेड टू हेड पे करें, अगर आप हेड टू हेड ओनली खेलते हैं तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की जरूरत है, मेरी टीम काफ़ी है फ्रेंड, मेरी टीम आप प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ जाकर खेलेंगे तो आप आसान से यहाँ पर 100% यहाँ पर हेड टू हेड तो मेरी टीम जीतती रहती है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल दिखाना तो फ्रेंड्स वो भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ये है फ्रेंड्स, मेरे 82 सब्सक्राइबर्स है, मैं अभी शुरुआत किया फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 82 सब्सक्राइबर्स है फ्रेंड्स। मैच से 1 घंटा पहले मैं आपको पूरे इन्फॉर्मेशन इस तरह मैं आपको टेलीग्राम में देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझसे बेहतर टीम भी आप बना सकते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं टीम अच्छा बनाना चाहता हूँ तो फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स। इस तरह मैं जो भी आपको मैं कवर करता हूँ टेलीग्राम पर देता हूँ, इससे क्या होगा कि आपको मैच से 1 घंटा पहले, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर होता है तो वो भी मैं टेलीग्राम पर मतलब मेरे में लिखता हूँ, उसके बाद आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करता हूँ वो कितने रन बनाए, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन में देता हूँ, फेस बॉलर बैटिंग ऑर्डर ये सारी डिटेल्स देने के बाद वो आप लोग अच्छे टीम बना सकते हैं, मेरी टीम की फॉलो करने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल तो मैंने दिखा दिया फ्रेंड, पूरा यही इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसी टाइप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कुछ नहीं करना फ्रेंड, जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, इससे आप ही को फायदा मिलने वाला, फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स, थैंक यू एंड विश यू गुड लक टू एवरीवन।